वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो डियर स्टूडेंट आज के क्लास में आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आपका स्टडी प्लान पे भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स को लगभग लगभग 20 दिन आपके एग्जाम्स को बचे हुए हैं अब इस 20 दिन में आपको अपने स्टडी प्लान कैसे रखना है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो होते हैं अभी भी जो कि या तो कोई जॉब कर रहे होते हैं या फिर कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं और लास्ट मोमेंट पे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो अब इस लास्ट मोमेंट पे अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया तो किन क्वेश्चनों को आप पढ़ें जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में जाएं तो बच्चे अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज की तो सबसे पहले आ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि मैं आपका ईयर में से डिस्कस करने जा रहा हूं देखिएगा सबसे पहला आपका यूनिट आता है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बच्चे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको उसका ए पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही मिलेगा आप आप अगर अपने टेन ईयर से फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इंट्रो फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं ए पार्ट और बी पार्ट ए पार्ट आपका कहां से आएगा ए पार्ट आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्लियर है बच्चे इसमें आपके पास में दो क्वेश्चन है दो क्वेश्चन में आपके पास में एक व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ये और दूसरा आपके पास में एक्सप्लेन द मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज ये आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो आएगा उसमें का part, आपका जो है यूनिट टू से आएगा इनकम अकाउंटिंग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत सारे टॉपिक है पूरा नेशनल इनकम को इसमें कवर करा हुआ है तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि आपके सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वट डू यू नो अबाउट द विड्रॉल्स रिलेटेड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम तो इंजेक्शन और विड्रॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और सर्कुलर फ्लो आपके थ्री मॉडल और फोर इकोनॉमी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपका ये क्वेश्चन मैं अगर आपको इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्या है तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी अगर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसका वट आर द एक्टिविटी जी डीपी ये डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफिंग जी डी पी ऑफ द मेजर्स ऑफ द नेशनल वेलफेयर इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं फिर से वही बात करता हूँ कि नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है यह फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करा यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर मैं इंपॉर्टेंट में भी अगर मैं मार्ग करू आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या तो ये इंपॉर्टेंट है क्लियर है बच्चे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम ये क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट ए आपका होने होने की पॉसिबिलिटीज है पार्ट ए या पार्ट बी क्लियर है बच्चे लेकिन पार्ट ए में क्या आएगा रियल जी डी नॉमिनल जी क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट बी में क्लियर है अब देखिएगा यहां पर आपके पास में इज द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एंड द इंडिकेटर ऑफ द ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पास में शॉर्ट नोट आपके पास में आ सकते हैं बट आपको जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा हूं इंपॉर्टेंट उसको आप पहले प्रिपेयर कर लें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट आपको कहां से आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफ इकोनॉमिक्स इश्यूज इकोनॉमिक्स होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका एक पार्ट कौन सा होगा ऑफ नेशनल इनकम और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी पार्ट है आपका वो आपका इनमें से इंपॉर्टेंट रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में से होगा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चे नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इसमें अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर अब हम यहां पर सेकंड uh, का एक पार्ट रहता है क्वेश्चन नंबर थ्री आपका यहां से मिलकर के आएगा अब एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एपीसी एपीएस एमपीसी एंड एमपीएस ये रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट आ सकते हैं अगर पेपर का लेवल आसान रहा तो ये क्वेश्चन आएगा अदरवाइज इसके चांसेस उतने स्ट्रांग नहीं है बट फिर भी इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसिडर करता हूं क्योंकि रिपीट हुआ है कई बार एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंजम्पन फंक्शन बच्चे यह इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन फंक्शन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका इंपॉर्टेंट है तो ये भी आप इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाकी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस चाहिए जिससे कि सब कुछ कवर हो जाए इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर इन मैक्सिमम में से भी अगर हमें शॉर्ट लिस्ट करके बताइए कुछ कम क्वेश्चन ही हमें करने पड़े तो इसलिए मैं इसमें शॉर्ट लिस्ट करके भी बता रहा हूं तो दोनों ही चीजें मैं आपको एक सिंगल पीडीएफ में दे रहा हूं इसके बाद देखेंगे बच्चे ये लीकेज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे एक्सप्लेन द हाउ इ क्लियर लेवल ऑफ इनकम इज डिटर्मिनेट इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है बच्चे आसान पेपर होगा तो ये क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम थ्रू द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यूज द डायग्राम एक्सप्लेन द चेंज दैट द टेक प्लेस इन द इकोनॉमिक वैन द इकोनॉमिक इज नॉट इन इक्विलिब्रियम तो ये आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक न्यूमेरिकल आपके पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका देखेंगे आपके पास में एक न्यूमेरिकल आएगा और एक न्यूमेरिकल कौन सा होगा जो लास्ट क्लास में मैंने लाइव में आपको पढ़ाया था इनकम एंड मॉडल यहां इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोम इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है टूल्स ऑफ द फिजिकल पॉलिसी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे क्वेश्चन नंबर चार पे चला जाते हैं ट इज द फिजिकल पॉलिसी वट आर द लिमिटेशन अब इसमें से चॉइस है मैं ये नहीं कर सकता यही आएगा इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट है अब उसके बाद शो द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज इन द टैक्स ऑन द इक्लेरम लेवल देखिए इक्लेरम लेवल तो हम ऑलरेडी बारहवीं में ही पढ़ चुके हैं लेकिन वो कॉलेज में नहीं आना है वो टैक्स का इफेक्ट आना है क्योंकि ओपन इकोनॉमी मॉडल पढ़ रहे हैं आप यहां पर इसलिए आप इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज को ज्यादा समझें फिर से ये क्वेश्चन नंबर फोर में जो मैंने बताया था नोमेरिकल है ऐसे न्यूमेरिकल से ये न्यूमेरिकल तो ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं इसकी वीडियोस भी अवेलेबल है कंटेंट में ये करवा चुका हूं प्रैक्टिस ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको ये आपके एग्रीगेट डिमांड शॉक एंड एग्रीगेट सप्लाई शॉक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि वो सब तो आपका कही कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था बट वो सारे क्वेश्चन आपके लिए ऐसा था कि वो पहले तीन और चार क्वेश्चन के ए पार्ट तक कवर करेगा अब सारी चीजें आपके पास में क्वेश्चन नंबर आएंगे कई बार ऐसा होता है सात क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें से आपको पांच करने पड़ते हैं कई बार हर क्वेश्चन के ऑप्शन में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा तो डिपेंड करता है एग्जाम में क्या रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई वट इज द एग्रीगेट सप्लाई शॉक एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ये आपके पास में मोस्ट मोस्ट टेंट है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लियर है बच्चे तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं मनी एंड मॉडर्न इकोनॉमी बहुत अच्छा वेटेज इसका रहेगा इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शन ऑफ द मनी व्हाट इज द फिट मनी ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा बड़ा मार्क्स का नहीं आएगा बट बीच में एक क्वेश्चन में डाल देगा ये वट इज द हाई पावर्ड मनी इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे ये सब चीजें बच्चे पढ़ के जाते नहीं है सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ के जाते हैं और सोचते हैं कि पूरा पेपर टेंट हो जाए मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे वो अपना एग्जाम्पल खुद डालेगा रेट ऑफ परसेंटेज आपको याद करके जाएंगे उससे बात नहीं बनेगी वो करना है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स डिमांड फॉर मनी इंपॉर्टेंट है ऑटोनोमेटिक स्टेबलाइजर अलिमिटेशन ऑफ द पेपर मनी अब ये कुछ मैंने आपको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी आपको कंटेंट में डाले हुए वीडियो पे स्टार आपके लगे हुए तो ये सारे क्वेश्चन करके जाओ मेरी तरफ से तो आप लेकिन अगर आप इनमें से भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन कहते हैं तो आप इन क्वेश्चन को आप जरूर करें तो आपके पास है बच्चे पांच यूनिट है और एवरेज अगर, अगर आप क्वेश्चन काउंट करते हैं देखिए प्लस में लास्ट थ्री ईयर्स क्वेश्चन पेपर करना है आपको ये लास्ट थ्री ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ही करना है साथ में ये तो करना ही करना है आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको जरूर करना है और जो मैं सीरीज चला रहा हूं उसमें मैं लास्ट ईयर के पेपर पूरा 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 पेपर डिस्कस कर रहा हूं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं उसके अंदर में क्लियर है बच्चे तो ये इस तरीके से आप इन अपने टॉपिक कवर करेंगे मान के चलिए आपके पास है पांच यूनिट है यूनिट वन तो आपके पास में बच्चे इसमें दो ही क्वेश्चन है आपके पास में तो ये आप कवर कर सकते हैं सिर्फ एक दिन के अंदर ही यूनिट वन को अब आपके पास में हर यूनिट यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर और यूनिट फाइव उन्होंने एवरेज आपके पास में सेवन क्वेश्चंस मान के चलिए मैक्सिमम और एक दिन में आप अपने दो से तीन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं उसके आंसर को लिखने का तरीका आ सकता है इतना ही टाइम दे सकते हैं तो मान के चलें कि अगर आपने इसमें थ्री डेज भी दे दिए दो क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा क्योंकि पूरा टाइम आप एक सब्जेक्ट को देंगे नहीं आप हार्डली दो घंटे देके चलेंगे या डेढ़ घंटा मैं उसी के हिसाब से आपका स्टडी प्लान बना रहा हूं कि यहां पर अगर आपके पास में सात क्वेश्चन है तो एक दिन में दो क्वेश्चन प्रिपेयर करो बट उसको खुद भी आंसर मेकिंग करना सीखो ऐसा नहीं याद करके जाएंगे अब स्कूल के बच्चे नहीं है आप आंसर तो खुद ही लिखेंगे बट क्लास देख के आपको समझना होगा तो इसलिए एक दिन में दो क्वेश्चन अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर लो तो तीन दिन लग जाएंगे आपको सात क्वेश्चन में और एवरेज में बता रहा हूं आपको तीन दिन आपके यहां लग जाएंगे और तीन दिन आपके यहां लग जाएंगे और तीन दिन आपके पास में यहां लग जाएंगे तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप पढ़ लो सबसे पहले जो भी मैंने बताया तो इसमें आपके पास में तेरह दिन है और अभी पेपर का आपके पास में ट्वेंटी डेज बाकी है तो तेरह दिन ये करने के बाद आप दो दिन इसका रिवीजन लो टू डेज इसका रिवीजन लो इन सभी का उसके बाद लास्ट के फाइव डेज लास्ट फाइव डेज में क्या करोगे लास्ट फाइव डेज में ये ऑटोमेटिक रिवाइज जाएगा अगर आपने क्या करा लास्ट थ्री ईयर क्वेश्चन पेपर करा क्लियर है बच्चे ये तो वो चीजें हैं कि जो आपको करके जानी है क्लियर है पहले आप इन चीजों को प्रिपेयर करें उसके बाद मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जिनको तो छोड़ के बिल्कुल जा ही नहीं सकते आप कर कर हंड्रेड परसेंट करके जाना है ये क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेगा पेपर के अंदर मैं उसके ऊपर क्योंकि उसके ऊपर मैं सारे सातों सवाल के ऊपर ऐसे मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूं पांचों सवाल के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूं कि आपका आएगा ही आएगा पेपर के अंदर दो या तीन सवाल ऐसा होता है कि भाई गारंटीड है ये आएगा आएगा तो दो से तीन सवाल कौन सा होगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में ये आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी और यहाँ पर हिमांशु कह रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे आप उस उसमें कंटेंट में देखिए अगर कंटेंट में क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको कोर्स में जाकर के पूरे डिटेल में वीडियो को भी देखना पड़ेगा जब आपको कोर्स को करवाया गया है क्लियर है बच्चे तो इसमें आपको करना है ये आपका स्टडी प्लान था अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप एक अच्छा स्कोर अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ला सकते हैं लास्ट मोमेंट पे भी क्लियर है तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास इसमें हम एक और नए क्वेश्चन पेपर के साथ में आपके जो टाइम टेबल है उस पर मिलते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच